हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल अमित सैंगी। और आज हम बनाएंगे कचौड़ी, मूंग मसूर सत्तू कचौड़ी। और इसके लिए हम लेंगे मूंग दाल, मसूर दाल और सत्तू। सत्तू ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बेसन से, ये बेसन का ही एक रूप है। भुंजे हुए चने के पाउडर को हम सत्तू कहते हैं। बेसन की अपेक्षा इसे कम भूंजना पड़ता है। बेसन को काफ़ी ज़्यादा भूनना पड़ता है और इसे बहुत कम, और ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी। तो शुरू करें। पहले हम कचौड़ी का मसाला रेडी कर लेते हैं। और ये कढ़ाई में मैं एक बड़ा चम्मच तेल गरम कर लूँगी। और तेल के गरम होने पर हम सबसे पहले इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। और खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है ये एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और जीरा, और एक फांक बड़ी इलायची की। इसे तेल में डाल देंगे और चम्मच से ही थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सत्तू। मैंने एक कटोरी सत्तू लिया हुआ है, लेकिन इसे फ्लेम लो करके फिर डालेंगे। गैस की फ्लेम मैं लो कर देती हूँ थोड़ी सी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सत्तू को काफ़ी कम भूंजना पड़ता है, इसे हम थोड़ा सा ही भूंजेंगे। और चम्मच तेल और डालते हुए मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी। और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी हींग, आधे चम्मच से भी थोड़ी सी कम। हींग वैसे तो तेल में पहले ही डाली जाती है, पर मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ। पहले गरम मसालों के साथ इसके जल जाने का रिस्क रहता है, और उनके खुशबू के साथ मिलके हींग की खुशबू उतनी नहीं आ पाती। अभी हींग डालने से ये सत्तू के साथ अपनी काफ़ी अच्छी खुशबू छोड़ेगी। और अभी हम इसे फिर से थोड़ा सा चला देंगे। करीबन 10 से 15 सेकंड हमें इसे और चलाना है। ये जो चम्मच में इस तरह से मसाला फंस जाता है, इसे दूसरे चम्मच की सहायता से आप हटाते रहिए। ये इस तरह से मैंने छुड़ा दिया दूसरे चम्मच की सहायता से। अब 15 सेकंड भूंज भी लिया है मैंने इसे। अब मैं इसमें डालूंगी मूंग और मसूर की दाल, जो मैंने सुबह ही भिगो के रख दी थी, अभी अच्छी फूल गई है। ये दाल डाल देंगे हम। ये दाल एक कटोरी करीब मैंने ली हुई है। और अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें आधा चम्मच करीब सौंफ भी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी खड़ा धनिया, थोड़ा सा ऐसे चलाते हुए। खड़ा धनिया और सौंफ कचौड़ी में ज़रूर ही डलते हैं। इसे फिर से ऐसे चम्मच से छुड़ा देंगे हम।
ये देखिए, ये खड़े धनिया को हाथ से ही ऐसे मसल के हमें डाल देना है। और अभी गैस काफ़ी गर्म हो चुका है, मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि अब हम पाउडर मसाले डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है, और लाल मिर्च पाउडर भी लेंगे करीबन आधा चम्मच ही, और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी डालेंगे। ये जीरा पाउडर, और अब थोड़ा सा गरम मसाला भी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका कलर अच्छा आना शुरू हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, आप पहले भी अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, क्योंकि मेरे अमचूर में उतनी खटास नहीं है। आपका अच्छा खट्टा हो तो आप कम डालिए। अभी फ्लेम ऑफ ही है गैस की। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च काट के, पहले मैंने इसीलिए नहीं डाली, बाद में डालने से उसका अच्छा कलर दिखता है, फ्रेश कलर। ये 2 हरी मिर्च मैं काट के डाल दूंगी, ये देखिए मैंने चॉप कर दी है। और अभी हम फ्लेम को वापस से ऑन करेंगे, ये गैस मैंने ऑन कर दी है। और अब इसमें डालेंगे पानी, ये 1 कड़छी पानी हम डालेंगे। ये इतना पानी जब उबल जाए, मसाले में मिक्स हो जाए, तब हम 1 कड़छी पानी और लेंगे। एक कड़छी पानी और ले लेते हैं। इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमारा ये मसाला बनके रेडी है, एकदम परफेक्ट मसाला। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ रहा है, हरी मिर्च का भी अच्छा कलर आ गया है इसमें। मसाला तो रेडी हो गया, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम इसका आटा लगाना। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है ये 2 कप मैदा। अगर ऐसा मेजरिंग इस कप ना हो आपके पास, तो आप कोई भी कप या बाउल ले लीजिए। और ये आधा कप तेल, तेल आधे कप से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, कम लिया है, वो मैं बाद में लूँगी। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, मसाले में भी नमक रहता है, कचौड़ी का नमक थोड़ा सा कम होना चाहिए। और अब 1 चम्मच में इसमें दही डालूँगी, जो नॉर्मल खाने का चम्मच रहता है, ये देखिए, बस इतना सा दही काफ़ी है। इससे आपकी कचौड़ी अच्छी करारी बनेगी। अब जो वो जो तेल मैंने थोड़ा सा छोड़ा था ना, वो भी डाल देती हूँ। तेल मैंने थोड़ा सा इसीलिए छोड़ा था, किसी किसी मैदे में तेल कम लगता है और किसी में प्रॉपर, तो उसी लिए कि तेल ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए, ये कप में जितना छूटा था उतना मैं वापस डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मसलते हुए हम इसका आटा लगा लेंगे। आटा थोड़ा सा टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। इसको इस तरह से मसलते मसलते हम आटा लगाएंगे, और पानी थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, इतना सा पानी लिया है मैंने अभी फर्स्ट टाइम।
जितना इम्पॉर्टेंट कचौड़ी में कचौड़ी का मसाला बनाना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इसका आटा लगाना भी है। नहीं तो आपकी कचौड़ी उतनी करारी नहीं बनेगी। हो सकता है ऊपर से अच्छी क्रिस्पी हो, अंदर से नरम हो, या बन के क्रिस्पी निकले और थोड़ी देर बाद ही नरम पड़ जाए। एकदम परफेक्ट कचौड़ी बनाने के लिए इसका आटा भी एकदम परफेक्ट लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी करते हुए ही हम इसको अच्छे से नीट करते जाएंगे। अब आटा आपस में बंधना शुरू हो गया है, इसे अभी और नीट करेंगे। इसका आटा नरम नहीं होना चाहिए, इसे इस तरह से खींच खींच के और नीट कर लेंगे। ये मेरा हाथ देखिए आप, इसमें आपको मॉइस्चर दिखेगा, कितना मोयन आ चुका है। इतना मोयन ज़रूरी है कचौड़ी के आटे में। अब हमारा ये आटा लग के रेडी है। जितना इम्पॉर्टेंट कचौड़ी का मसाला है, उतना ही आटा, अब उतना ही फ्राई करना कि किस तरह से कचौड़ियाँ फ्राई की जाएं। तो अब वो भी देख लेते हैं। मसाला रेडी है, आटा भी रेडी है, अब हम अपनी कचौड़ी फ्राई करेंगे। कचौड़ी बना लेते हैं। ये थोड़ा सा सूखा मैदा मैंने ले लिया है बर्तन के लिए, और ये लूँगी मैं मसाला जो कचौड़ी का भी बनाया था, और ये थोड़ा सा तेल कचौड़ी में डालने के लिए, और पानी सील करने के लिए। कचौड़ी को सील करना बहुत ज़रूरी है। अब बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं यहाँ है ना आटे की लोई बना के रख देती हूँ, इस तरह से गोल गोल करके अच्छे से दबाते हुए लोई बना देंगे। ये देखिए, ये साइज़ की हमें लोई लेनी है। ये पूरी लोई मैंने बना दी है, और ये चकले को इस तरह से मैंने मैदा डस्ट करके ठीक कर दिया है, जिससे कि चिपके ना मैदा बेलते समय। अब हम अपनी कचौड़ी ये आटे की लोई बेल देंगे। इसमें आटा इसमें नहीं लगाना है अभी, अभी थोड़ा सा हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे, इसे बेल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे तेल बीचों बीच लगाएंगे, ये साइज़ में ही बेलना है आपको, और एक चम्मच के करीब हम इसमें अपना कचौड़ी का मसाला डालेंगे, पूरा एक चम्मच। और अब इसे ही पैक सील करेंगे। कचौड़ी को पानी से इस तरह सील करना ज़रूरी ही नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कचौड़ी तेल में ही खुल जाएगी, फिर कचौड़ी भी ख़राब, तेल भी ख़राब, और मूड भी ख़राब। अब इसे देखिए, इस तरह से एकदम दबाते हुए पैक करना है। ये जो दो लेयर है ना आपस में चिपक के केवल एक लेयर बन के रह जाए, इस तरह से इसे पैक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पानी में डालने लगाने के बाद भी खुल जाने का चांसेस रहता है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैदा लगा के, सूखा मैदा, और अब हम इसे बेल देंगे। बीचों बीच नहीं बेलना है, साइड साइड बेलते हुए जाना है। ये देखिए, ये साइज़ की कचौड़ी। अब मैं सारी कचौड़ियाँ बेल के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारी कचौड़ियाँ बेल दी हैं। अब हम कचौड़ी भी फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए ये कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, और तेल को ना हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, इसे लो फ्लेम पर ही तला जाता है, जिससे कचौड़ी अच्छी क्रिस्पी बने, नहीं तो ऊपर से क्रिस्पी अंदर से कच्ची रह जाएगी।
ये देखिए तेल कितना गर्म है, और इसे अब हम ये करछी झारे की सहायता से इस तरह से उसके ऊपर तेल डालते हुए जाएंगे। ये देखिए ऐसे इसके ऊपर कंटिन्यूअस तेल डालते हुए कचौड़ी को घुमाते जाना है। अब इसे पलटा देते हैं। आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। अब मैं एक कचौड़ी और आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कचौड़ी डाली हमने, फिर ऐसे तेल ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से तेल डालते रहने से ना कचौड़ी अच्छी फूलती है। आप देख रहे हैं कचौड़ी कितनी अच्छी फूल गई है। ये पलटा के भी दिखा देती हूँ। अभी और भी तेल डालते जाऊंगी। ये कचौड़ी देखिए फूलते जा रही है जैसे जैसे तेल डालते जा रहा है। अगर आप इस तरह से करछी की सहायता से तेल ना डाल पाएँ, छलकने का डर लगे, तो आप किसी चम्मच से ऊपर से तेल डाल सकते हैं। ये देखिए कचौड़ी को इस तरह से दबा दिया है और इस चम्मच से तेल डालते जाएंगे। और हमारी ये कचौड़ी एकदम बढ़िया करारी फूल के रेडी हो गई है। अब जल्दी से सारी कचौड़ी हम तल देते हैं। ये एक और कचौड़ी देखिए किसका अच्छा कलर टेक्चर है इसका, बनी है ना एकदम मार्केट जैसी। ये देखिए एकदम फूली फूली करारी कचौड़ी, जैसे बजाने पे बजे आवाज आए, है ना एकदम होटल जैसी कचौड़ी, दिख रही है ना। कचौड़ी के साथ मैंने आज बनाई है आलू की सब्जी। जी हाँ, चटनी नहीं, आलू की सब्जी, एमपी की मशहूर आलू की सब्जी। एमपी में आलू की सब्जी दी जाती है समोसे कचौड़ी के साथ। मेरी कचौड़ी की रेसिपी ट्राई करें, पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।